बार में हम सरताज सर आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब इंग्लिश में अगर बड़े बड़े सेंटेंसेस और वर्ड्स की मीनिंग ना पता हो ना तो इतनी बेइज्जती नहीं होती जितनी कि वह चिल्ले पिल्ले से वर्ड्स की मीनिंग ना पता होने पे हो जाती है। अरे वो होते हैं ना ऑल होल एंटायर एवरी ईच पीच रीच पता नहीं क्या क्या है वो। अब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं एंटायर कब लगाना है ऑल कब लगाना है होल कब लगाना है। अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सारे चिल्ले पिल्ले से वर्ड्स कहां लगते हैं। अब इन चिल्लो पिल्लो की मीनिंग सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। खाली मीनिंग नहीं यूज भी बताऊंगा। चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ऑल एंटायर होल ईच एवरी पेवरी इन सबका सही इस्तेमाल सही यूज एक ही बातें इस्तेमाल और यूज। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑल की। अब ये जो ऑल है आपने अपनी लाइफ में जरूर यूज किया होगा, मतलब इसके बिना तो इंग्लिश तो अधूरी सी लगती है। ऑल, अब ऑल की हिंदी सुनो। ऑल की हिंदी होती है सारा सारी सारे। सारा की बात नहीं कर रहा हूं, कभी तुम उसके घर पहुंच जाओ सारा कहां गई। ऑल ऑल माने सारा सारी सारे, मतलब किसी भी हिंदी वाक्य में सारा सारी या सारे आए तो वहां पे ऑल लगाना है। लेकिन एक कंडीशन और है सारा सारी सारे के साथ कि वो होनी चाहिए प्लूरल चीज, यानी बहुवचन हो तो ऑल लगेगा, एक वचन यानी सिंगुलर के लिए ऑल नहीं लगेगा। बहुवचन जानते हो ना, जो एक से ज्यादा हो, फिर चाहे वो दो हो तीन हो दस हो करोड़ हो अरब खरब नील पील जो भी हो, मतलब एक से अधिक हो बहुवचन हो, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑल का यूज करेंगे सारा सारी सारे के लिए। जैसे मैंने सारी फिल्में देखी हैं, आप फिल्म में यानी फिल्म नहीं फिल्में एक से ज्यादा हैं, तो यहां पर सारी भी आ रहा है और एक से ज्यादा चीजें भी हैं, तो आई हैव सीन ऑल मूवीज या ऑल द मूवीज इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर मैं सारी किताबें पढ़ूंगा, तो किताबें हैं किताब नहीं एक से ज्यादा हैं बहुवचन है। आई विल रीड ऑल द बुक्स या ऑल बुक्स भी कर सकते हैं। या फिर जैसे मैं कहूं मैं सारे कपड़े धो चुका हूं, मैं सारे कपड़े धो चुका हूं, तो कपड़े हैं कपड़ा नहीं है एक से बहुत सारे हैं, सो आई हैव वॉश्ड चुका हूं ऑल क्लॉथ्स। तो इस तरीके से जहां पर भी सारा सारी सारे आए और एक से ज्यादा वो चीज, तो वहां पे ऑल का प्रयोग करेंगे। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। लेकिन अब कहानी शुरू हुई है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऑल को बाकियों के साथ कंपेयर करते रहेंगे ताकि मामला सेट हो जाए। आओ अब नेक्स्ट वाले पे थोड़ा मारें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है होल। अब ये जो होल होता है ये भी आपने जो होल मत कर लेना कब कमरे में बंद हो जाओ होल। अब ये जो होल होता है भैया इसका भी बहुत ज्यादा यूज आपने देखा होगा अपनी लाइफ में। कैसे यूज करेंगे सुनो, ऑल का तो आपको बता ही दिया, होल का हिंदी में मतलब होता है सारा सारी पूरा पूरी। पूरी की बात नहीं मतलब पूरी सारी सारा सारी पूरा पूरी। कोई सारा बोल देता है कोई पूरा बोल देता है कोई सारी बोल देता है कोई पूरी बोल देता है, इसलिए सारी हिंदियां लिख दी मैंने कि कंफ्यूजन ना हो। अब आप देखो कि ऑल में भी सारा सारी लिखा हुआ है और होल में भी सारा सारी लिखा हुआ है, तो डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस ये है कि ऑल लगता है प्लूरल के लिए लेकिन होल लगेगा सिंगुलर के लिए यानी एक के लिए। अब जैसे मैं कहूं मैंने सारी फिल्म देखी है, मैंने सारी फिल्म देखी है, पहले मैं कह रहा था मैंने सारी फिल्में देखी हैं, तो इसका मतलब एक से ज्यादा है। इस बार कह रहा है फिल्म एक ही है लेकिन मैंने शुरू से लेकर एंड तक सारी देखी है, तो अब ऑल नहीं लगेगा। आई हैव सीन होल मूवी, आई हैव सीन होल मूवी। और अगर ऑल लगाओगे तो मूवी में एस लगाना पड़ेगा, इसका मतलब फिल्में सारी फिल्में देखी हैं। अरे मैंने तो सलमान खान की सारी फिल्में देखी हैं, तो वो एक से ज्यादा हुई ऑल द मूवीज या ऑल मूवीज। और मैंने वो सलमान खान की बजरंगी भाईजान सारी देखी है, या फिर ये भी कह लो पूरी देखी है, ऐसे भी कहते हैं, इसलिए पूरा पूरी पूरे भी लिखा हुआ वहां पे। सो आई हैव सीन होल मूवी। अब जैसे आप शादी में गए, अब आप किसी ने कहा चल यार जल्दी से खाना रख दे, नहीं मैं सारा खाना खाऊंगा। अब देखो सारा खाना खाऊंगा, खाना कितना एक एक प्लेट में तुम्हारे लिए इकलौता सिंगुलर, तो वहां पे सारा खाना खाऊंगा। और मैं मान लो पार्टी में घूम रहा हूं और वहां पर खूब सारे खाने खाए 200-300 टाइप में, और मैं हाजुला खा के कर रहा हूं सारे खाने खाऊंगा सारे, तो सारे मतलब सब टेस्ट करेगा, रसगुल्ले भी खाएगा रसमलाई भी खाएगा, तो बहुवचन हो गया, तो मैं सारे खाने खाऊंगा। आई विल ईट ऑल फूड्स, फूड में एस लगाना पड़ेगा ऑल फूड्स, और मैं सारा खाना खाऊंगा यानी बस जो थाली में मेरे लिए है। अब थाली
थाली में चाय वैरायटी हो लेकिन वो एक ही खाना है सारा, वो मेरे लिए सिंगुलर है, तो ऐसी कंडीशन या किसी और के लिए सिंगुलर है तो होल लगेगा। आई ईट होल फूड या होल द फूड इस तरीके से कर सकते हैं। तो होल लगता है एक के लिए, सिंगुलर के लिए। चलो भैया ऑल और होल में बात क्लियर हो गई सारा। और एक चीज और बता देता हूं, जैसे मुझे कहना है मैं सारा दिन खेला, तो मेरे वर्ड से क्या लग रहा है आपको, कितने दिन खेला? एक ही दिन, सारा दिन खेला। सो आई प्लेड होल डे मतलब सारा दिन, सारी रात होल नाइट, सारी दोपहर होल नून। और अगर मैं कहूं मैं सारे दिन खेला, अब सारा नहीं सारे दिन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दिन एक से ज्यादा थे। लॉकडाउन थे ना, सारे दिन खेला मैं भैया, छत पर पड़ा रहता था मैं, नहीं इसका मतलब एक से ज्यादा है। सो आई प्लेड ऑल डेज। अब ऑल लगाना पड़ा तो डे में एस भी लगाना पड़ा, ऑल डेज। तो एक के लिए हॉल, एक से अधिक के लिए ऑल, मीनिंग दोनों की लगभग सेम। क्लियर हो गई बात। और नेक्स्ट वाले पे जंप मारे। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है एंटायर। अब ये जो एंटायर है, ये भी अक्सर हम लिखा हुआ देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एंटायर कहां से आ गया, इसका क्या मतलब है। मैं बताता हूं, एंटायर की हिंदी सुनो पहले। एंटायर की हिंदी होती है सारा का सारा, पूरा का पूरा। अब ये जो ऑल और होल थे ना, ये वही थे, सारा या फिर पूरा या सारे, लेकिन ये एंटायर है सारा का सारा, पूरा का पूरा। इसका सीक्रेट बताता हूं क्या है। देखो भैया, पहले भैया एंटायर देखो यूज किसके लिए होगा, ये हमेशा यूज होगा सिंगुलर पर्सन के लिए, यानी हमेशा ये एक के लिए ही इस्तेमाल होगा। अगर ये एक से ज्यादा है तो नहीं होगा, उसके लिए हमारा ऑल भैया बैठा है। अब कुल मिला के इसकी जो टक्कर है ऑल से नहीं है, क्योंकि ऑल तो प्लूरल के लिए है और सिंगुलर के लिए जो है अपना एंटायर है, इसकी टक्कर है होल से। होल का मतलब है सारे, सारा सारी, पूरा पूरी, और इसमें सारा का सारा, पूरा का पूरा। तो फर्क क्या है? तो फर्क ये है, कोई भी चीज अगर हम नॉर्मल तरीके से सारी देखें, पूरी देखें, सारी करें, पूरी करें, सारी खाएं, पूरी खाएं, मतलब सारा सारी या पूरा पूरी उसमें लगा हुआ है नॉर्मल, तो होल। और अगर बहुत ध्यान देकर, बहुत ज्यादा मतलब फोर्स देकर करें तो एंटायर। एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कहूं मैंने सारी की सारी फिल्म देखी है। अब पहली बात ध्यान देना, फिल्में नहीं है, फिल्में एक की बात हो रही है, क्योंकि अगर फिल्में की आ जाता तो फिर ये तो मसला ही खत्म, एंटायर और होल का, फिर तो ऑल लगता, चाहे सारी हो चाहे सारी की सारी हो, एक से ज्यादा है तो ऑल। अब मैंने सारी की सारी फिल्म देखी है, एक की बात हो रही है, तो देखो अगर बंदा कह रहा है मैंने सारी फिल्म देखी यानी पूरी देखी है फिल्म, तो इसका मतलब जैसे नॉर्मल सब देखते हैं, बीच में ब्रेक व्रेक आ जाता है लेकिन फिर भी लगातार देखते हैं, जो है अपना एंड करके हटते हैं या सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं। सो आई हैव सीन होल मूवी, लेकिन ये कह रहा नहीं सारी की सारी फिल्म देखी है, पूरी की पूरी देखी है, एक सेकंड के लिए नजरें नहीं हटाई, बहुत गौर से देखिए, एक एक चीज, एक एक डायलॉग देखे, तब होल, नहीं तब एंटायर। आई हैव वॉच्ड एंटायर मूवी, सीन भी कर सकते हैं, आई हैव वॉच्ड एंटायर मूवी, तो इस तरीके से एंटायर का यूज होगा। मैंने सारा का सारा खाना खाया। अब अगर नॉर्मल जैसे सब खाते अपना खाना फिनिश करते हैं तो आई एट होल फूड या आई हैड ईटन होल फूड भी कर सकते हैं, होल फूड कुल मिला के बात हुई। लेकिन अगर मैंने सारा का सारा खाना खाया, पूरा का पूरा प्लेट चाट गया, एकदम उसे चमका दिया बिल्कुल चाट चाट के, तो इस कंडीशन में मतलब क्या कहना चाह रहा है कि बहुत ध्यान केंद्रित करके फोर्स देकर कराए। सो आई एट एंटायर फूड या आई हैड ईटन एंटायर फूड, तो ये फर्क होता है एंटायर और होल में। एक बार फिर से समझ लो, होल होता है मतलब ज्यादा जोर देकर नहीं, नॉर्मल तरीके से सारा या पूरा करना, और एंटायर होता है जरा ध्यान से, थोड़ा डीपली सारा का सारा, पूरा का पूरा करना। लेकिन भैया इतना डीपली आपको घुसने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको एंटायर की जगह होल लगा देंगे, होल की जगह एंटायर लगा देंगे तो मतलब अंग्रेज आ जाएंगे और कहेंगे ये गलत कर रहे हो तुम हमारे देश के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना डीपली मतलब मैंने सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया, आप चाहें तो होल की जगह एंटायर और एंटायर की जगह होल लगा सकते हैं, दोनों आपस में चचा ताऊ के लौंडे, मतलब इनमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ ऑल अलग है क्योंकि वो एक से ज्यादा के लिए लगता है, बाकी इन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है एवरी। अब ये जो एवरी है इसकी हिंदी सुनो ध्यान से, एवरी की हिंदी होती है हर, यानी जहां पर भी हिंदी वाक्यों में आए हर, मैं हर फिल्म देख चुका हूं, मैंने हर खाना खाया है, मैंने हर कपड़ा पहना है, मैं हर गली में घूमा हूं, मैं हर लड़की से पिटा हूं, तो वहां पे एवरी लगाएंगे। लेकिन अभी इसके बाद वाले से इसको कंपेयर करेंगे, पहले एवरी के ऊपर कुछ वर्ड्स बना लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे मैं हर दिन स्कूल जाता हूं, एक भी छुट्टी नहीं हुई मेरी, आई गो टू स्कूल एवरी डे। सो हर के साथ
साथ दिन आ गया तो एवरी के साथ डे आ गया, एवरी डे। हर कोई अमीर है तो हर के साथ कोई आ गया, कोई को वन बोलते हैं। एवरी वन इज रिच, एवरी वन इज रिच हो गया भैया। अब इसी तरीके से जैसे मैं हर फिल्म देख चुका हूं, अब हर के साथ फिल्म आ गया, एवरी मूवी हो जाएगा, आई हैव सीन एवरी मूवी। तो यहां पे आपने देखा कि जहां पर भी आए हर, तो वहां पे एवरी का यूज करेंगे। अगर आता कि मैं सारी फिल्म देख चुका हूं तो ऑल द मूवीज, मैं पूरी फिल्म देख चुका हूं, बात एक ही की हो रही है तो होल या एंटायर। तो फिलहाल एवरी की बात हो रही है, जहां पर भी आए हर तो वहां पर लगाएंगे एवरी। अब कंपेयर करके लास्ट वाले से देखो और फिर एक बार राउंड घुमाऊंगा। अब लास्ट वाला है ईच, और ये जो ईच है इसकी हिंदी है हर एक। अब देखो एवरी का मतलब हर और ईच का मतलब हर एक, फर्क क्या है दोनों में, अब दोनों का कंपटीशन कराते, ध्यान सुनो। देखो भैया जिसमें छोड़ छोड़ के हो मसला, यानी जिसमें गुंजाइश हो ही ना सके, पॉसिबल ही ना हो सके कि एक भी नहीं छूटेगा, वहां एवरी लगाएंगे। और जहां पर पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक भी दिन छूट जाए या एक भी चीज छूट जाए या एक भी पॉइंट छूट जाए, तो वहां पे ईच लगाएंगे। इसलिए उसमें हर एक एक जोर देकर कहा गया, ऐसे नहीं समझोगे। एग्जांपल देखो, जैसे मैं हर दिन स्कूल जाता हूं, अब इस सेंटेंस में मैंने क्या कहा कि मैं हर दिन स्कूल जाता हूं, हर आ रहा है एवरी आएगा। अब भैया देखो बंदा कह रहा है मैं हर दिन स्कूल जाता हूं, 100% अटेंडेंस है मेरी, इसका मतलब क्या हुआ, वाकई में इनने कभी छुट्टी नहीं करी होगी। जब 100% अटेंडेंस है तो आप सोचोगे तब तो छोड़ा ही नहीं कुछ, तब तो ईच आना चाहिए। छोड़ा संडे को कहां गया, दिवाली पे कहां गया, ईद पे कहां गया, क्रिसमस पे कहां गया, मतलब छुट्टियां हुई, दिन छूटे, 365 दिन नहीं गया बंदा, फिर भी हर कह रहा है, तो इसमें छूटा है, तो जहां पर जरा सा भी छूटा है वहां पर ईच नहीं, वहां एवरी लगेगा। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर दिन स्कूल जाता हूं एवरी डे, इससे पता लगा एवरी डे यानी जाता तो हर दिन है, लेकिन बीच में छुट्टी वुट्टी जो होती है, जो त्यौहार होते हैं उस दिन घर पर बैठता है। और अगर ये कहे नहीं मैं 365 दिन गया हूं, एक दिन नहीं छोड़ा, चाहे झाड़ू लगाने जाना पड़े स्कूल में, सो आई गो टू स्कूल ईच डे। अब यहां पर तो कंडीशन मैंने बना दी, बंदा कह रहा है कि नहीं 100% गया हूं 365 दिन तो ईच डे और नहीं तो एवरी डे, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कंडीशन बनी बनाई होती है। जैसे सूरज हर दिन पूर्व से निकलता है, सूरज हर दिन पूर्व से निकलता है, सूर्य। अब यहां पे देखो क्या संडे को छुट्टी कर देता है, या हो सकता है दिवाली पे पश्चिम से निकलता हो, या हो सकता है किसी और दिन, नहीं होता, इसमें गुंजाइश ही नहीं है, इसमें वाकई में यही है कि वो निकलता ही पूर्व से है, तो ऐसी कंडीशन में एवरी डे नहीं ईच डे। तो सनराइजेस इन द ईस्ट ईच डे, यानी कि सूर्य उगता है, राइजेस प्रेजेंट डेफिनिट टेंस ऐसा लगाना पड़ा, इन द ईस्ट पूर्व से या पूर्व में ईच डे। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं ईच एंड एवरी की, तो यहां ईच इसलिए लगा क्योंकि इसमें गुंजाइश ही नहीं है। तो ऐसे हम लोग अक्सर कह देता रहे, आजकल तो सबके पास मोबाइल है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, मम्मी पापा की लस के फूंक के बोल देता है हर बच्चे के पास मोबाइल है, आजकल तो बिगड़ रहे बच्चे। लेकिन क्या ये सच है वाकई में हर बच्चे के पास आजकल मोबाइल है? नहीं, बहुत सारे बच्चे शरीर से जिनकी जैसे तुम अभी हो सकता है तुम जो है क्या नाम है अपने लकड़ी के किसी ईंट फीट में वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे पास मोबाइल ही ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ईच नहीं लगा सकते क्योंकि हमें पता है हर बोलने के बावजूद भी चीजें छूट रही हैं। सो एवरी चाइल्ड हैज अ मोबाइल, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह की बात करें जहां पर आपको पक्का पता है कि यहां पर एक भी नहीं छूटेगा, मेरी क्लास है 20 बच्चे और मैं इनके लिए बोलूं और हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो मैं सबका नहीं बोल रहा, मैं इन 20 का बोल रहा हूं, इनकी गारंटी ले रहा हूं, यानी इनमें एक भी नहीं छूटेगा, तो ईच चाइल्ड ईच बॉय ईच गर्ल, फिर वहां ईच एंड एवरी लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने देखा कि ये वर्ड्स होते हैं जो छोटे छोटे जो बहुत ज्यादा अक्सर कंफ्यूज्ड करते हैं, बट डोंट वरी, आप इनकी हिंदी याद कर लो, ज्यादा गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है, जहां जोन सी हिंदी आ जाए वहीं पे वोन सा लगा दो, ठीक है। अब बारी है आपके यू वर्क की, लगाओ मैडम इनके लिए एंटायर यू वर्क, एंटायर गलत लगा दिया मैंने, लगाओ ये रहा भैया आपका यू वर्क। अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखना, इनमें वही एंटायर ईच एवरी और जो भी आपका उसका यूज करना है, अब इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, सबसे पहले अपनी नोटबुक में करना, जब आपको लगे ठीक है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, हर्ट भी दूंगा और बाकी सभी लोग आपको लाइक भी देंगे, और उनके भी होमवर्क को यू वर्क को आप भी लाइक देना, ये कर जरूर देना, थोड़ा सा अपना वो बनने पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। तो भाई साहब ये थी छोटी सी वीडियो ऑल होल और आपका ईच एवरी फेवरी के बारे में, आई एम श्योर आपकी नॉलेज बढ़ गई होगी। अब इस वीडियो को सबके साथ प्लीज शेयर करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत खास है, इसके बारे में सबके लिए जानना जरूरी है। और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।